आज हम आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पुदीना ऑनियन पफ पैटीज, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो चलिए देर ना करते हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ एक बाउल लिए हैं, इसमें हम डालेंगे एक कटोरी प्याज, चार मीडियम साइज का प्याज था, इसे हम पतले पतले पीसेस में कट कर लिए हैं और इस सबको हम हाथ से मसल लेंगे ताकि इस सबका लच्छा अच्छे से खुल जाए। दो चम्मच शेजवान चटनी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और दो चम्मच टमाटो केचप, आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे और इसमें हम कोई भी मसाले ऐड नहीं करेंगे। इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। हम यहाँ 6 पीस ब्राउन ब्रेड लिए हैं, आप कोई भी ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउन ब्रेड बहुत ही हेल्दी होता है, इसीलिए हम ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सबका हम किनारी कट कर देंगे और इसे फेंकेंगे नहीं, इसका हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। सभी ब्रेड का किनारी हम कट कर लिए हैं, अब इसे हम बेलेंगे। यहाँ सभी ब्रेड हम बेल के तैयार कर लिए हैं, तो हमारा फिलिंग्स भी रेडी है और ब्रेड भी रेडी हो चुका। यहाँ एक ब्रेड लेंगे, इस पर डालेंगे हम थोड़ा सा फ्रेश पुदीना के पत्ते। इस पर पुदीना के कुछ पत्ते डाल दिए, गर्मी में पुदीना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, इसीलिए गर्मियों में हमें पुदीना का सेवन करना चाहिए। और इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा फिलिंग्स। इसी तरह दूसरे ब्रेड पे भी हम थोड़ा सा पुदीना के पत्ते डालेंगे। इसे ऐसे हम फोल्ड कर देंगे। एक कटोरी में थोड़ा सा हम पानी लिए हैं, बर्फ से इस पर थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। देखिए चारों तरफ से अच्छे से चिपक गया है, अब इसे प्लेट में रखेंगे। इसी तरह सभी ब्रेड को हम बना के तैयार कर लेंगे। सभी ब्रेड में फिलिंग्स भर के हम तैयार कर लिए हैं। यहाँ हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे तैयार किया हुआ ब्रेड का पीसेस। कितना अच्छे से ब्रेड हमारा सिक चुका, अब इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। दूसरा बैच भी अच्छे से सिक चुका, इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कलर कितना प्यारा आया है ना। तो ये लीजिए, हमारा पुदीना ऑनियन पफ पैटीज बन के तैयार हो चुका है, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है और बनाना बहुत ही आसान है। देखिए आपको एक तोड़ करके बताते हैं, देखिए कितना क्रिस्पी हुआ है ना, देख रहे हैं। वाओ, देखिए देख करके ही मुंह में पानी आ जा रहा है, अंदर से कितना अच्छा दिख रहा है ना, कितना मज़ेदार बना है। यदि आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वे प्लीज़ सब्सक्राइब करें।